हेलो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी सीएचएसएल इस पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका एक लॉगिन का पेज मिलेगा। यहाँ पर आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका एक विंडो जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 में यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अभी ये वेबसाइट जो है ओपन हो रही है। अभी आप समय देख पा रहे होंगे 16 दिसंबर है, 23:21 यानी 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर समय हो रहा है। कैंडिडेट्स का नेम यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर डाल देना है। कोई भी दिक्कत आई तो आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एक बारी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि हम ये अप्लाई कर रहे थे कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट्स का नेम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अगर आपका न्यू या फिर चेंज नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आएगा। यहाँ पर आपका डेट जो है ऑलरेडी आ जाएगा, जितनी भी उम्र आपकी हो चुकी है। जेंडर मेल या फीमेल कैटेगरी आएगी आपकी, OBC, SC, ST, जनरल या EWS। यहाँ पर वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी आप में है या नहीं है, PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो, उसका कॉलम आएगा। तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देना है। कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिक्कत आ रही है सेंटर डालने में, तो सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पर भी आपको सेंटर डालना है, जैसा लखनऊ में डालना है तो लखनऊ यहाँ पर आपको कर देना है, दिल्ली आप यहाँ पर डाल सकते हो या फिर कोई भी अदर सेंटर यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, तो आप किस लैंग्वेज में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर एक बार आपको डाल देना है। तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश ही डालते हैं तो यहाँ पर हम लोग भी इंग्लिश डालेंगे, ठीक है। तो एक कैंडिडेट का है तो उनसे पूछ के यहाँ पर मैं आगे का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। उनका जो है स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा, जो भी उनका क्वालिफिकेशन होगा, हाइएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना है। तो 10+2 यानी 12th का क्वालिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बट यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका MBA हुआ है, MCA हुआ है, MSc हुआ है तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है तो अदर भी आप यहाँ पर कर सकते हो। वेबसाइट यहाँ पर अभी पूरी तरीके से ओपन हो रही है, आपको रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो ही ये वर्क करेगा, ठीक है। नीचे आ जाएंगे हम लोग एंड यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह रहेगा। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। किस तरीके से अपलोड करना है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हो तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल का नाम आपको जरूर से डाल देना है, स्वप्निल करंट अफेयर्स SSC CHSL फोटो एडिट। अगर आप डाल दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो डिक्लेरेशन पर यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है यहाँ पर डाल देना है एंड यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना होगा। अगर अभी हम लोग अगर प्रीव्यू करेंगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो डिटेल्स है हमने यहाँ पर नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह हमने अपलोड नहीं किए हैं। कैंडिडेट से पूछने के बाद ही हम यहाँ पर जो है डिटेल आगे प्रोसेस करेंगे। तो उनका फॉर्म अभी मैं रात में 2 या 3 बजे तक शायद इनका फॉर्म ये अप्लाई हो जाएगा। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए हैं, उनके कुछ एक दिखा देता हूँ। आपका जो थंबनेल था वीडियो में तो इस तरीके से आप देख पाओगे, अभिषेक शर्मा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड दिखा रहा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, अप्लाई फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड, और पेमेंट जो स्टेटस था इनका फी एग्जाम डेट है, यानी ये कैंडिडेट जो है SC ST कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है। अप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपका यानी उम्मीदवार यानी कैंडिडेट का जो फॉर्म है, आवेदन है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है, ठीक है। आपका जो आवेदन है, आपका जो अप्लीकेशन है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिटेड हो चुका है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब यही होता है। अभी बस वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन वहाँ पर बैठता है या नहीं बैठता है, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो, आपकी एज अगर उसमें बैठती है, आपका क्वालिफिकेशन अगर उसमें बैठता है, आप एलिजिबल होंगे, तो आपको आने वाले समय में कॉल लेटर भी यानी बुलाव पत्र भी बुलाया जाएगा आपको एग्जामिनेशन के लिए, टियर 1 के लिए। तो अभी सबसे बड़ा अपडेट बस यही है कि यहाँ पर जो है अप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में डिटेल्स आपको डालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आपको मैसेज कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉलो कर देना है या फिर फेसबुक पेज का आपको लिंक दिखेगा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके आपको मैसेज डाल देना है। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। इसी तरीके के अपडेट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।